शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी सारद और आप देख रहे हैं द फॉलो अप। कारगिल दिवस के दिन आज पूरा देश शहीदों को याद कर रहा है, शहीदों को याद करते हुए आंसू बहा रहा है। लेकिन आज हम आपको झारखंड के गुमला जिले के एक शहीद परिवार की कहानी दिखाते हैं कि कैसे शहीद का परिवार सरकारी सिस्टम की बेरुखी के कारण आंसू बहा रहा है। देखिए यह रिपोर्ट। हवलदार अमर शहीद जॉन अगस्तूत एक का देश के दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम, वो नाम जिसने ऑपरेशन रक्षक में आतंकवादियों के छक्के छुड़ा दिए थे। आतंकियों से लोहा लेते वक्त ही हवलदार जॉन अगस्तूत एक का कारगिल में 25 दिसंबर 1999 को शहीद हो गए थे। हवलदार अमर शहीद जून अगस्तूत एक्का को विदेशों में भी कई मेडल मिले थे। उस वक्त सरकार ने भी उनके सम्मान में कई ऐलान किए, परिवार के लिए कई वादे किए, पर अफसोस आज भी अमर शहीद जॉन अगस्तूत एक्का का परिवार इंसाफ के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। जी हाँ, आज तक ना तो उनके परिवार को सरकार की ओर से कोई मदद मिली और ना ही उनके पुत्र को सरकारी नौकरी। हवलदार अगस्तूत एक्का के पिता भी आज तक वृद्धा पेंशन के लिए तरस रहे हैं और पत्नी की पेंशन भी पिछले 3 सालों से बंद है। गांव का विकास और अमर शहीद जॉन अगस्तूत एक्का प्रतिमा की बात ही बेमानी है। सरकारी तो उनके शहीद होने के एक सप्ताह बाद मैंने 31 दिसंबर को मिली। जब सवेरे वही 7 बजे आसपास थाना से पुलिस लोग आए थे और वही लोग पता लगाने के लिए कि कौन घर है क्या घर है, और उन लोग बतलाए कि हमें क्या हुआ। बोली मैं तो कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई है, इसे कह के बतलाए। कब शहीद हुए थे? 25 दिसंबर 1999 को कारगिल युद्ध ही उसको मना है। हाँ, मानता है। अच्छा, ये शहीद होने के बाद अगर सरकार की ओर से सुविधा देने की बात करें तो क्या क्या सुविधा दी गई आप लोगों को, परिवार को? परिवार को कोई खास सुविधा तो नहीं मिली है, केवल मेरा ही पेंशन दिया जा रहा है। और कोई मुआवजा? मुआवजा तो उधर से जो बनता है अलाउंस, सब क्या क्या अलाउंस वही सब मिला केंद्र सरकार से। राज्य सरकार से? राज्य सरकार से नहीं मिला है। क्यों? राज्य सरकार से जो देता है ना हर स्टेट से शहीद वालों को, वो वाला राशि नहीं मिले है। वही कहता है उस समय बिहार झारखंड का समस्या बोल देता है, माने कि उस समय बिहार था 99 में तो झारखंड नहीं मना था ना, इसलिए इधर झारखंड वाले कहते हैं बिहार, बिहार वाले देखेंगे तो बिहार वालों को बाद में तो उधर से कुछ क्या बोलेंगे वो लोग, नहीं कुछ कर पाया बिहार वाला लोग। तो अभी क्या चाहूँगी, मेरे दोनों बेटों के लिए कुछ जीविका का साधन उपलब्ध करा दे। उसमें जब मेरे पापा जब कारगिल युद्ध में शहीद हुए उसमें लगभग हम लोग 10 साल के थे होंगे, काफ़ी छोटे। हम लोग को जब पता चला, काफ़ी उस समय तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, ये चीज़ बिल्कुल ही लग रहा था कि अचानक से एकदम दुखित हो गए। लेकिन अभी जैसे कि 21 साल हो गया, फिर भी अभी तक मतलब कि हम लोग पढ़ाई लिखाई करके हम लोग BA कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन अभी तक ना सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिली है ना नौकरी मिली है, ऐसा कुछ नहीं है। और पापा के नाम से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, जैसे स्टैचू हो गया
ये वगैरह नहीं लगाया गया है, नहीं बनाया गया है। और जो हम लोग का गांव है तिलिया, वो रास्ता काफ़ी ख़राब है, जो अभी तक पूरे जर्जर है। आने जाने में दिक्कत होती है, गांव जाने में दिक्कत होती है। कम से कम पापा के नाम से वो रास्ता भी बन जाए, यही उम्मीद रखते हैं। जिला मुख्यालय में कहीं पर स्टेचू, और जिला मुख्यालय में कहीं पे पापा के नाम से स्टेचू लगना चाहिए। ये तो गुमनाम ही लगता है लग, जिससे शहीद हुए। और जैसे कि जो कि पापा शहीद हो गए, लेकिन लग रहा है कि पापा का नाम कहीं पे नहीं है, और बिल्कुल ही गुमनाम की तरह लगता है। तो एक स्टैचू ने से जिलेवासी कम समझाने के कारगिल युद्ध में वो शहीद हुए थे। अगर स्टैचू लग जाए तो फिर जिले को पता चलेगा कि कारगिल युद्ध में शहीद जोन अगस्त का है। गुमला के राहिड़ी प्रखंड के परसा पंचायत के तिलैया गांव के हवलदार जॉन अगस्तूत एक्का 10 अगस्त 1989 को सेना में बहाल हुए थे। इसके बाद पदोन्नति कर वो हवलदार बने। हैरत की बात ये है कि जब अगस्तूत शहीद हुए तो उनके परिवार वालों को 6 दिन बाद इसकी सूचना मिली। उस वक्त बच्चे छोटे छोटे थे, लेकिन आज उम्र का 21वां पड़ाव पार कर चुके हैं। जॉन अगस्तूत की विधवा शिक्षिका थी, लेकिन अब वो भी रिटायर्ड हो चुकी हैं। परिवार का कहना है कि अब भुखमरी जैसे हालात हैं, उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। परिवार के लोगों के साथ साथ गांव के लोगों को भी उम्मीद है कि सरकार की कभी न कभी नजरे इनायत इन पर होगी और गांव का विकास होगा। हालांकि अब तक इन्हें सिर्फ और सिर्फ भरोसा ही मिलता रहा है। ना तो 21 साल बाद तिलैया में अगस्तूत एक्का की प्रतिमा लगी है और ना ही विकास के नाम पर कोई बड़ा काम हुआ है। कब शहीद हुआ? कम से कम 20 साल हो गया है। कहाँ हुए शहीद? शहीद तो वो पाकिस्तान के कारगिल में हुए थे। तो कारगिल युद्ध में? कारगिल युद्ध में हुए थे। अच्छा, ये बताइए, वो जब आते थे तो क्या क्या आप लोग को? हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम में, खूब मिठाई सब लाते थे, फुटबॉल सब देते थे, खेलते थे हम लोग खूब मैदान में। उनके नाम से तो शहीद के नाम से गांव में कुछ नहीं हुआ है। उनके नाम से ना रोड बना है, ना कुछ हुआ है, उसके 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 नाम से नहीं हुआ है। कार शहीद के नाम से उसको तो भुला दिया है। हम लोग चाहते हैं उसके नाम से उसको हर गाँव के लोग जाने, पूरा राज्य के लोग जाने, और गांव का कुछ विकास हो, उसका स्टेचू बने गांव में। आर्मी के बाद में वो हवलदार मेजर बना था, उसके बाद में कारगिल के यथी में शहीद हुआ 1999 में। कौन सा यथी? 31 को पहुंचा, उसी दिन हम लोग जान पाए कि पेपर आउट हुआ। मतलब कौन कौन 31? वही दिसंबर का 31 लास्ट है को पहुंचा है। तो आप लोग? हम लोग को पता नहीं था, सवेरे हम लोग का शहीद हुआ पता चला कि हम लोग को खबर करने आया। उसके बाद में इधर दारोगा सब अपने यहाँ यथि बुलाने के लिए, खोज खाज करने के लिए पहुंचा। वो भाई छोटा कि बड़ा? बड़ा भाई जोन अगस्तुस। लोग के लिए कुछ सुविधा नहीं मिला है अभी तक ले भी। यहाँ 21 साल बीत जाने के बाद भी कोई कुछ सुविधा नहीं मिला है अभी। हम लोग के लिए तो रोड भी चाहिए आने जाने के लिए। हम लोग के लिए ये अति में पब्लिक के लिए प्रॉब्लम है, गांव का विकास के लिए, और इसके लिए कोई साधन मिले हम लोग के लिए भी। एक मूर्ति उनका स्थापित हो, मूर्ति के लिए, इसके लिए समर्थन हम लोग चाहते हैं इसके नाम से, ताकि लोग लोग जान पाएंगे। सरकार बदली है, लिहाजा एक बार फिर अमर शहीद जॉन अगस्तूत एक्का के परिजन और तिलैया गांव के लोग आश्वान्वित हैं कि जो अब तक नहीं हुआ है वो अब हो जाएगा, क्योंकि खुद सीएम हेमंत सोरेन ने पिछली सरकार पर शहीदों की अनदेखी का आरोप लगाया था। देखने वाली बात होगी कि हेमंत सरकार शहीद परिवार को उसका हक दे पाती है या नहीं। The followup.in, like.
share, and subscribe. www.thefollowup.in